अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ोमान में रखें। आज मैं ये छोटे से पीस से, इस तरह का ये पीस है बचा हुआ और नीचे बॉर्डर है, इससे मैं आपको बहुत ही प्यारी एक खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक और साथ में उसके पजामा बनाना सिखाऊंगी कि कैसे इस तरह के पीस से हम जो हैं बच्चों के लिए बना सकते हैं। बॉर्डर वाला पीस जो लेफ्ट ओवर हमारे पास बच जाते हैं अक्सर, या हम ले भी लेते हैं, तो उनसे किस तरह से बनाया जा सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। ये कटिंग कर ली है हमने, अब हम यहाँ से कट करेंगे एंड तक। यहाँ से भी ये हमने अलग कर लिया है, अब यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे हम। ये अलग कर लेंगे, अब हम ये वाला बॉर्डर यहाँ से कट करेंगे जी। इसको ये फोल्ड कर लिया हमने और इसकी ये शलवार पीस कटेंगे, यहाँ से ये अलग कर लेंगे हम। जो ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, इसका ये बॉर्डर भी अलग कर लेंगे ये जो है यहाँ से। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इक्वली इसकी तीन तह करके यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये जो ट्राउज़र के अंदर से कपड़ा निकला था हमारा, ये और इस तरह से ये है, यहाँ पर से इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऐसे हो गया, ये बड़ा है ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। अब बैक साइड के यहाँ पर हम जो है ये डालेंगे कलियाँ यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से तीन तय कर लेंगे और यहाँ से इसके बराबर यहाँ तक हम कट कर लेंगे और यहाँ से भी यहाँ तक कट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से कटिंग हो गई है, इस तरह से ये हम इनको इसके अंदर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये कट गया यहाँ से। अब यहाँ से हमने इतना जो है नेफा बना लेना है, ये यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग गई है, यहाँ दरमियान में भी हमने एक सिलाई लगानी है। ये डबल सिलाई लग गई है, अब ये नेफ जितनी हमने इलास्टिक लेनी है और इसके साथ पिन के साथ यहाँ पर हमने जो थोड़ा स्पेस दिया है इसके इस वाले अंदर डाल देना है, इसके अंदर डालना, इसके अंदर नहीं डालना। और ये बाजू है, बाजुओं पे हमने ये वाली लेस यहाँ पर अटैच कर देनी है ये। अब ये यहाँ से इस तरह हो गया है ये इधर, अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है इधर से और इधर से, और नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड देखें, ये इसकी बैक साइड की लुक है, ये जो हमने कपड़ा डाला था इस तरह से देख लें आप। ये इसकी फाइनल लुक देखें आप, इस तरह से शेप आ जाएगी। ये छोटे छोटे हमने टसल्स बना के लगा दिए हैं इसके ऊपर, और यहाँ भी हमने टसल्स लगा दिए हैं और यहाँ पर हमने लेस अटैच कर दी है। फाइनल लुक देख लें आप इसकी, और ये पजामा है साथ में। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।